हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। सारा ने सुबह की राम राम। और अब थोड़ी देर हुई थी, उठी थी, चाय पी ली है, थोड़े से बर्तन है चाय के, दूध के, वे साफ करके फिर आज प्रिंसिपल इतर की छुट्टी है तो थोड़ा सा उनने काम में हेल्प करवा दी है कि मोर करवा देंगे। फिर थोड़ी देर में कपड़े कपड़े धोऊंगी, खाना बनाऊंगी। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे। ओके बाय। तो भाई जी, मेरा किचन का काम हो गया था कंप्लीट। गैस भी साफ़ कर दी, बर्तन भी साफ हो गए हैं, और ये दूध गर्म कर लूँ। दूध गर्म हो गया, थोड़ी देर में दूध गर्म हो जाएगा, फिर धोऊंगी कपड़े। और प्रिंस को इतर लाग रहे अपनी स्कूटी की साफ सफाई करन, सारी खोल रखी है। घर के मिस्त्री ये लाग रहे हैं खोलन पाड़न। अच्छा, ये तार का डॉक्टर है, जब निकट जाए है यहाँ, ये दो तार का डो और निकट जाए। डर नहीं लगता इनमें करंट होया तो? पहले एमसी बंद गया करो, लेट जाए कि त्याग ला ले। तो ये करेंगे अपनी स्कूटी ने साफ। इतने मैं कर लूँ अपना दूध गर्म। नमकीन चावल इब्बा बनाऊं, वो फिर 4 बजे पीछे बनाऊं। ठीक है, पहला दूध तत्ता कर लूं, इसके द्वारा बैठ जाऊं ना तो फिर यो लिकट जाएगा। उसके बाद मैं फिर काटूंगी प्याज टमाटर आलू। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं। तो गाइस आज बना रहे हैं नमकीन चावल। चावल मैंने ले लिए हैं, बस साफ ना करे हैं, आलू काट लिए हैं, और प्याज छोंक के लिए, और टमाटर, और कुकर दिया है चढ़ा, और मिर्च भी कूट ली है। तो ये करूँगी मैं, एक बार पहला चावल धो लूँ, फिर बनाऊँगे नमकीन चावल। तो गाइस डाल लेते हैं छोंक के लिए तेल सरसों का। मैं सरसों के तेल में छोंक लगाती हूँ, और
चावल कर दिए हैं साफ। चावल भी मैंने 5-6 बार अपने धो लिए हैं, तो ये मिलती हूँ आपको। तो भाई जी तेल दिया है छोड़, क्योंकि मसाले अच्छे से पक गए हैं, टमाटर प्याज और मसाले। एक डाल लेते हैं अपने आलू, मसाले काफ़ी कलर रख लिए थे पानी में, पहले धो लिए थे 2-3 बार, फिर भी मैंने बता था कि लाल लाल से ना हो, पानी डाल कर रखते थे, ज़्यादा कुछ डालते नहीं थे। मटर भी उबाल लिया था, नहीं मटर है नहीं, बस टमाटर प्याज का छोंक बना और आलू डाल कर सिंपल बना कर नमकीन चावल नहीं बिकता। वैसे तो इसको इतना भी बना लें इतना नमकीन चावल, चावल एक मक्का चावल लिए थे तो 2 मक्के डाल दूंगी इसमें पानी, 2 लगा देंगे इसमें तेल। चावल तैयार हो गई थी, हम बढ़ना चोल डाल देती हूँ लड़की, अभी कर देंगे कुकर बंद। बस फिर 2 सीटी आ गए चावल के हमारे तैयार, फिर दिखाती हूँ आपने कैसे बने मेरे चावल। तो कि भाई इतना आरो ताला तो एक बार फोन कर दी, क्योंकि इसमें तो अजीब सी आवाज़ आने लगी, पहला ना आया करती। और कपड़े निकाल दूँ मशीन में, तो फिर उसमें पानी डाल के धोने ताई मशीन मैं कपड़े पानी डाल लूँ, फिर हमारे चावल तैयार हो जाएंगे, साथ ही साथ कपड़े भी धो जाएंगे। भाई एक बार कुर्सी लाइए ताकि कपड़े काट दूंगी मशीन के अंदर, फिर मशीन ला दूंगी। हो गई भाई तेरी स्कूटी साफ, और क्या रह गया? साफ साफ करनी, बाकी सेट कर दी ना। तो एक बार मशीन में तो कपड़े काट दूं, उसके बाद मैं फिर मिलती हूँ आपसे, मशीन और लगा लूँ। तो बढ़ गए हमारे नमकीन चावल, हो गए हैं तैयार, और मैं और प्रिंस सर कोई तरीबा तीनों मम्मी बेटा खा लेंगे, तो आप भी खा लो, ठीक है? पहले चावल खा लें। तो भाई जीप के मैं तो कपड़े धो दिए हैं एक बार के, और मशीन में तो काटने रह गए, और फिर उसके बाद मैं करूँगी संध्या की शाम के टाइम की जोत बत्ती, तो कपड़े एक बार की और काट दूंगी। बस कपड़े भी धो गए हैं, और प्रिंस को इतर गए थोड़ी देर खेलने के लिए, तो वो आ जाएंगे फिर देखते हैं मम्मी बेटा, फिर वे पढ़ जाएंगे, मैं कुछ अपना और करता काम नहीं बता लूँगी। तो हेलो गाइज, सारा ने राम राम, गुड नाइट, और लाइक कमेंट और शेयर कर देना। आज का तो पता नहीं, क्योंकि आज रात में सबत रात मौसम खराब रहा था ना, तो उस वजह से वाईफाई नहीं चल रहा है। तो देखो अगर वाईफाई चल गया और नेट आ गया तो आज ब्लॉग डालूंगी, ना तो फिर कल डालूंगी सुबह, जोड़ाने भी आओगा मतलब। फ़ोन तो कर रखा है, देख कर तो गए थे 2-3 जगह तो बताओ थे, तार टूट रहे हैं वाईफाई के, तो उसके आज की बजाय कल डल रहा है मेरा ब्लॉग, तो कल जोड़ाने भी नेट आ गया जब मैं डाल दूंगी। तो सारा ने आज की शुभ रात्रि, कल मिलते हैं एक नई सुबह के साथ में, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करो। ओके बाय।